पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बता दें, सहकारिता विभाग के द्वारा निर्मित कराए जा रहे 37 गोदामों का ऑनलाइन शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के एक कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इससे भी समझ सकता हूं, क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी। जब मैंने बैठक बुलाई थी तो बैठक के दौरान मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि हम लोग किसानों से खरीदेंगे तो, लेकिन ये गेहूं रखेंगे कहां, हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 1 अप्रैल से गेहूं क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, तो सबसे पहला प्रश्न स्टोरेज का ही हमारे सामने उठा था। और उसके बाद जब ये कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार भी किसानों से उनके उत्पाद को खरीदेगी। किसान की उत्पाद को खरीदना, उसको क्रय करना और अगले 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, यह अपने आप में एक सपना था। और वह सपना 2017 में सरकार के आने के साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खाते में देने का कार्य किया गया था। अगर हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती तो हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे। और उस समय भी इस बात को हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं, जब भी हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं तो ये प्रश्न स्टोरेज से उठती ही है। और जहां पर स्टोरेज नहीं, हम खरीद तो लेते हैं लेकिन स्टोरेज नहीं, तो बारिश में या फिर जहां तहां वह उत्पाद खराब होती है, सड़ती है, फिर उसी सड़े हुए माल को हम लोग जनता में वितरित करने का कार्य भी करते हैं, यानी धोखा है जनता के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 3 वर्ष के दौरान इसको बदला गया, लोगों के सामने एक नया माहौल दिया गया और हर वर्ष किसानों की उपज को खरीदने का कार्य आज लगभग 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। ये चीजें इस बात को साबित करती है कि जब किसान को सरकार उसकी उपज का उचित दाम देने लगता है तो किसान न केवल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य करती है, तो इसके माध्यम से मार्केट को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है, कालाबाजारी पे भी रोक लगती है, अन्नदाता किसान का शोषण रुकता है और जो किसान एक समय में खेती किसानी से विमुख होकर के जहां तहां मजदूरी करने के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था, पिछले 3-3.5 वर्षों में वही किसान वापस अपनी खेती के लिए वापस फिर से आया है और उसको एक विश्वास हुआ है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि एमएसपी के अच्छे दाम मिलने के बाद
लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ है और आज उसका परिणाम है कि किसानों ने फिर से जो परंपरागत खेती किसानी का कार्य करते थे इससे विमुख हो रहे थे, वे लोग फिर से अपनी खेती की ओर मुड़े हैं और फिर अन्नदाता किसान के रूप में अपनी भूमिका को फिर से उसी रूप में उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। मंडी समिति में अगर स्टोरेज क्षमता हम लोग तय कर लें, स्थापित कर लें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और नई प्रतिस्पर्धा में जहां हम लोगों ने निजी क्षेत्र को भी मंडी क्षेत्र में आमंत्रित किया है, इस नई प्रतिस्पर्धा के लिए न केवल सहकारिता को बल्कि मंडी समितियों को भी आगे आना होगा, क्योंकि जो जितनी अच्छी सुविधा किसानों को दे पाएगा और जितनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएगा वही इस कंपटीशन में बना रह पाएगा और उस प्रतिस्पर्धा के योग्य अपने आप को तैयार करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है। मैं तो ये मानता था कि 18 में जो एमओयू हुआ है कहीं वह केवल एमओयू तक ही सीमित ना हो जाए, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जिन 40 स्थानों पर ये मंडियां बननी थी, मैं तो चाहूंगा कि 75 के 75 जनपदों में हर एक जगह न केवल हमें उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के माध्यम से के साथ मिलकर के, अभी तो आवश्यकता पड़ती मंडी समिति को स्वयं भी मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाने चाहिए, सेलोज भी बनाने चाहिए और अत्याधुनिक भंडारण की क्षमता को अर्जित करते हुए एक नए सिरे से, क्योंकि केवल ये अनाज मंडी में ही नहीं, फल मंडियों में, सब्जी मंडी में भी हम लोगों को इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए कि किसान के उत्पाद को कुछ देर कुछ दिनों तक हम सुरक्षित रख सकें। नहीं तो किसान के सामने समस्या क्या आती थी, जैसे इस बार हम लोग लॉकडाउन के दौरान देख रहे थे कि फूलों की खेती करने वाला किसान अपने को ठगावा महसूस कर रहा था और उससे लगता था बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में ही फूलों को छोड़ दिया, लेकिन अगर हमने उसको स्टोरेज करने की क्षमता मंडियों में दी होती तो वह उसको ला करके रखता, डिमांड होने पर देता और कहीं डिमांड नहीं होता तो उससे कम से कम इत्र और अगरबत्ती बनाने का कार्य उसके माध्यम से कर सकता था। हमें एक नई सोच देनी पड़ेगी और इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना पड़ा, प्रारंभ करना पड़ेगा। देश और दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, जहां कहीं भी अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में और दुनिया के भी अलग अलग देशों में किसानों के हित के लिए कुछ नए काम हुए होंगे, आपके यहां भी अलग अलग जनपदों में आप जाएंगे तो किसानों के लिए लोगों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य प्रारंभ किए हैं। अगर ये कार्य हम लोग भी मंडियों के माध्यम से एक बार प्रारंभ कर सकें, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कर सकें, हर गांव पंचायत में भी हम लोग ऐसे चीज को भी आगे करके स्टोरेज की क्षमता को ग्राम पंचायत के अंदर ही विकसित करने की कार्रवाई कर सकेंगे, अंततः इसका लाभ एक सामान्य जन को तो होगा ही, किसान इससे लाभान्वित होगा और कालाबाजारी, जैसे कालाबाजारी की शिकायत आपको अक्सर देखने को मिलती है, लॉकडाउन के दौरान पहले चरण में कार्रवाई कर दी गई, कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत नहीं आई। हम लोग ये मान करके चले थे कि लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक में आ गए, अब कोई समस्या नहीं आएगी। 15 दिन पहले मानसून आने के नाते खेती किसानी के लिए किसानों को 15 दिन पहले तैयारी करनी पड़ी, लेकिन थोड़ी सी हम लोगों ने लापरवाही क्या की कि खाद और यूरिया की कालाबाजारी होती हुई दिखाई दी और जैसे ही कार्रवाई प्रारंभ हुई तो पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता फिर से मार्केट में दिखाई देने लग गई। यानी कहीं ना कहीं शासन की और प्रशासन की एक धनक दिखनी चाहिए और उसको उन लोगों तक जो कालाबाजारी के माध्यम से जनता का शोषण करना चाहते हैं, किसानों का शोषण करना चाहते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कार्रवाई हर स्तर पर होनी ही चाहिए। आज के इस अवसर पर जब यहां पर 5,000 मेट्रिक टन के 37 स्टोरेज क्षमता के लिए भंडारण गृहों की स्थापना के लिए आज इस शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मुझे विश्वास है कि हम इन भंडारण गृहों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर, हर मंडी के अंदर, हर जनपद में कुछ नई सोच के अनुसार भंडार गृहों की स्थापना करके
किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने में हम भी मददगार हो पाएंगे। मंडियां भी, सहकारिता विभाग भी, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम भी इस भूमिका के साथ अपने आप को तैयार करेगा। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के प्रति हृदय से उत्तर प्रदेश भंडारण निगम को, मंडी समिति को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में आप सब एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।